बताइए, जिस दिन देश की आजादी हुई थी उस दिन महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, बता दीजिए। चलिए नहीं, मैं तो ये मैं जिन्ना के फोटो का विषय है। एक मिनट, ये जो खोखला राष्ट्रवादियों से बंद कीजिए। मैं आ सकता हूँ क्या? गौरव भाई, ताकि देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई नहीं, सवाल ये है क्या जिन्ना की फोटो हटाने से इस देश में हिंदू मुसलमान लड़ जाएंगे, ये कह के समाजवादी पार्टी ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रही है कि इस देश के मुसलमान के दिल में जिन्ना बसते हैं? रोहित जी, जिन्ना चलाए इस तरह का राष्ट्रवादी हो जिसे पता, क्या इस देश के मुसलमान के दिल में जिन्ना बसते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? ये किताब है। क्या समाजवादी पार्टी ये कहती है कि इस देश के मुसलमान जिन्ना को पूछते हैं? समाजवादी पार्टी, आपने कहा ना जिन्ना की फोटो हटाने से हिंदू मुसलमान लड़ जाएगा। सवाल सुनिए, ये किताब है, महात्मा गांधी की फोटो है, अब्दुल कलाम आजाद की फोटो है और जवाहरलाल नेहरू की फोटो है। इसमें जिन्ना जी का इंट्रोडक्शन कहते हैं, ही वॉज अ ब्रिलियंट लॉयर एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन 1916। जो आदमी उस समय इस किताब को जला दें सर, 1947 की भूमिका बताइए ना, 1941 की भूमिका बताइए ना, हमारे संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो। क्या इतिहास का हवाला देकर एक ऐसे शख्स को जिंदा रखा जाए देश के बच्चों के दिल में जिसके ऊपर लाखों लोगों के कत्ल के आरोप हैं? मैं आ सकता हूं क्योंकि इन्होंने देश के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया। जब जिन्ना देश को बांट रहा था, भारतीय जनता पार्टी के पुरखे ऑर्गेनाइजेशन जिन्ना के साथ खड़े थे, टू नेशन थियरी के साथ खड़े थे, सरकार बनवा रहे थे, साथ में मिलकर के सरकार बनवा रहे थे। वापस आता हूं, मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं। बताइएगा उस वक्त किसकी सरकार थी और किसने सपोर्ट किया था।